जो फाइनेंस मैनेजमेंट हमने यहां पर देखा है, अब आगे जो हमें करने की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी ब्रांडिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज होती है वो होती है ब्रांडिंग, वो होती है मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग क्या है? तो मार्केटिंग का हमने सबसे पहले डेफिनेशन देख ही लिया है कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कि हम जो भी चीज का प्रमोशन करते हैं वो प्रमोशन करने के बाद कस्टमर को खरीदने के लिए मोटिवेट करना और उसको बोलना कि आप हमारी प्रोडक्ट या हमारी चीजों को आप खरीदो। सेकंड चीज यहां पर आती है उसके बाद जो हम बोलेंगे ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ब्रांडिंग का मतलब ये है आपके कस्टमर के माइंड में आपकी प्रोडक्ट और आपकी कंपनी को लेकर रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना। रिकॉल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ठंडा मतलब मैंने थोड़ी बोला, आपने बोला, समझ में आ रहा है? रिकॉल वैल्यू मतलब कोई चीज अगर आपको बता दी जाए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तो आप बोले LIC, मैं थोड़ी बोला। तो ये क्या हो गई, उनकी रिकॉल वैल्यू उन्होंने क्रिएट कर ली है कि कस्टमर के दिमाग में ये छप गया है कि इसका मतलब यही है। और कितनी बार उन्होंने हैमरिंग किया होगा। अब बात आती है आपके कंपनी की और आपकी प्रोडक्ट की। तो आपकी प्रोडक्ट की क्या रिकॉल वैल्यू या क्या आपने क्रिएट की, तो वो आपको क्रिएट करनी है, वो आपको ब्रांड बनानी है, बराबर। अब आगे अपने बात करते हैं कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो दोनों में डिफरेंट क्या है। जैसे सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंट था ना, उससे एक स्टेप आगे है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी डिफरेंट है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, गेट्स कस्टमर अटेंशन, फिर ड्राइव द सेल्स, फिर इट इज टेम्पररी। और ये तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो करने का माध्यम अपना ये होता है, और ये करना मतलब मार्केटिंग करना है। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या होगा, कि हमें अपने ग्राहकों का अटेंशन जो है वो गैदर करना है हर बार, ऑलवेज। सेकंड हमें क्या करना रहेगा, हमें अपने कस्टमर को लेकर एक लॉयल्टी बनानी पड़ेगी कि कस्टमर के सामने हम लॉयल बन जाए हमारी कंपनी। उसके बाद ये फॉरएवर के लिए होता है, ये टेम्पररी काम नहीं करेगा। आप रहो या ना रहो लेकिन आपकी कंपनी रहेगी और आपकी कंपनी के साथ लोग जुड़ते रहेंगे, ये फॉरएवर का मतलब होता है। और उसके बाद क्या रहेगा, कि इस चीज की इम्पैक्ट आपके कस्टमर को भी होनी चाहिए और आपके ग्राहक को भी होनी चाहिए। कितने लोगों की कंपनी में काम करने वाले लोग ये छाती टोक कर बोलते हैं कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं या मैं इस कंपनी का काम करने वाला पर्सन हूं। और कोई रिलायंस में काम करने वाला या किसी कंपनी में काम करने वाले बंदे को जाकर आप मिलना और उसका एटीट्यूड देखना कैसा होता है। तो जिस दिन ये वाला फीलिंग आपने अपनी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों का और ग्राहकों का बिल्ड करना शुरू कर दिया ना, कि भाई ये कंपनी के साथ में कनेक्ट हो काम करने के लिए या सर्विस के लिए, तो उस लेवल पर आप अपनी कंपनी को ब्रांडिंग बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये आपका बजट है, जो बजट मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था, कि आज मार्केटिंग और ब्रांडिंग का कोई भी बजट अगर आपको प्लान करना है आपकी कंपनी का, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का फिक्स होना चाहिए। क्लियर। अब आगे अपने बात करते हैं कि ये बजट तो प्लान हो गया लेकिन इसमें करेंगे क्या। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो होता है उसमें कौन सी गलतियां हम कई बार कर देते हैं, तो सबसे पहली गलती जो मैंने बोला, हैव ओल्ड मेंटालिटी। क्या करना है, पैम्पलेट बांध देना है और न्यूज़पेपर में दे देना है। दूसरी क्या माइंडसेट होता है, निवेश करने से डर होता है, भाई अगर कर दिया और कुछ रिटर्न नहीं आया तो कई लोग वो रिटर्न ना आने के कारण कभी करते ही नहीं है। तो भाई गाड़ी अगर आप चलाओगे और आप ऐसा सोचो कि एक्सीडेंट हो गया तो कभी गाड़ी आप पकड़ ही नहीं पाओगे।
स्विमिंग पूल में कूदे और आपने ऐसा सोचा डूब गया तो कभी भी स्विमिंग सीख ही नहीं पाओगे। तो जब तक आपका मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपको रिटर्न नहीं दे रहा है तब तक आपको उसको करते रहना है, और दे रहा है तो डबल करना है। इसका मतलब ये होता है जो हम डर जाते हैं, डोंट हैव मार्केटिंग एंड बजटिंग प्लानिंग। कभी हमने इसके ऊपर सोचा ही नहीं है कि भाई मार्केटिंग और ब्रांडिंग जैसा भी कोई है और वो हमें करना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमें कोई भी चीज का अंतर डिफरेंट ही नहीं पता है कि भाई ये क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है और क्यों करना चाहिए। फिर कई बार ये होता है कि हम यही चीजों को करते हैं लेकिन कैसे, साल में एक बार, कब, दीपावली पे, कि जब जब का सीजन चल रहा हो तब अपना भी सीजन चलेगा, अपना भी ब्रांडिंग मार्केटिंग होगा। 365 दिन में एक बार हमने किया और हम सोच रहे अब इसका रिटर्न हमें पूरा 365 दिन मिले, तो ऐसा नहीं होता है। ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्टिविटी 365 दिन करने वाली चीज है, एक दिन करने वाली नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजिकल ऐसा कहा गया है एक कंपनी के बारे में, जब तक एक इंसान को 7 बार अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक उसका इंटरेस्ट जगता ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा करे या आपके साथ कनेक्ट होने के लिए वो एक्शन ले। कितनी बार, और 7 बार का माध्यम अलग अलग होना चाहिए। तो ये गलतियां अपने से हो जाती है। अब हमें समझना पड़ेगा मार्केटिंग करे तो करे कैसे। अब मार्केटिंग अगर हमें करना है तो उसका 2 तरीका है, आज का तरीका है डिजिटल और दूसरा तरीका है पुराना फिजिकल। तो डिजिटल के अंदर अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, हम SEO रन कर सकते हैं, हम डिजिटल प्रिंट मीडिया पर जा सकते हैं, हम सोशल मीडिया पेज कर सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन के अंदर हम अपना मैनेज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म सारे, और उसके बाद हम कंटेंट और ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करनी होती है। और आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गुरुकुल खुद ये सर्विस अब आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने एक एजेंसी ही प्लान कर ली है। बहुत सारे लोगों को मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, पैसा लगाने के बाद भी उनको प्रॉपर ढंग से सर्विस नहीं मिल पा रही थी। तो पिछले साल ही हमने डिसीजन लिया और इस साल हमने उसकी शुरुआत कर दी है। तो अगर आप कहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करेंगे अच्छे दाम में और अच्छे परिणाम के साथ। अब बात आता है उसी के साथ हमारा फिजिकल मार्केट। तो फिजिकल मार्केटिंग करने के भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये सारे तरीके जो है वो फिजिकल मार्केटिंग के, जिसमें सबसे पहला कहा गया बिजनेस कार्ड, लेफलेट, ब्रोशर, आउटडोर होर्डिंग, फिर क्योस, फिर न्यूज़पेपर, ट्रेड शो, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ऑफर कूपन, कोल्ड कॉलिंग, स्पॉन्सर इवेंट, ज्वाइंट लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स। कितने लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं? बहुत बढ़िया, 2 ही लोग यहां पर हैं। बाकी सब लोगों को हाईली रेकमेंड मैं करना चाहता हूं, लिखना हो तो लिख लो, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो, आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आपको कनेक्ट होना है। क्यों होना है वो वजह मैं आपको बताता हूं। आपके बिजनेस में जितनी भी नई नई चीजों का अपडेट आता है वो सारा अपडेट जब आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में जुड़े हुए होते हैं तो आपकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में आपको अनाउंस किया जाता है, बताया जाता है कि नया क्या हो रहा है या नया क्या चल रहा है। तो वहां पर आपको कनेक्ट होना चाहिए, वहां से नेटवर्किंग भी होता है और वहां पर आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं जो एडवांस सोच लेकर चलते हैं, बराबर। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो फिजिकल मार्केटिंग में आपको करने की आवश्यकता है। क्या आप करेंगे? यस, ग्रेट।